नमस्कार दोस्तों, मैं केशव खेरा और आज मैं आपको वन प्लस सेवन प्रो और ब्लैक शार्क 2 का एक छोटा सा स्पेसिफिकेशन बेस्ड कंपैरिजन दिखाता हूँ। हाल ही में दोनों फोन्स भारतीय बाजार में लॉन्च किए गए हैं, हालांकि ब्लैक शार्क 2 आज ही लॉन्च किया गया है, वन प्लस सेवन प्रो कुछ दिन पहले लॉन्च किया गया था। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो ब्लैक शार्क 2 का जो कंपैरिजन है वो वन प्लस सेवन से बनता है, पर अभी फिलहाल हमारे पास वन प्लस सेवन प्रो है और ये भी एक दमदार प्रोसेसर के साथ आता है, इसलिए यहाँ पर मैं आपको ब्लैक शार्क 2 का कंपैरिजन वन प्लस सेवन प्रो से ही दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर हम डिस्प्ले की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर आप वन प्लस सेवन प्रो को देखते ही कहेंगे कि वाह व्हाट अ स्मार्टफोन, बिकॉज इसमें आपको 6.67 इंच का क्वाड एचडी प्लस रेजोल्यूशन और डिस्प्ले मिलता है जो कि कर्व्ड है, जबकि अगर हम यहाँ पर ब्लैक शार्क 2 की बात करेंगे तो इसमें 6.39 इंच का फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन डिस्प्ले दिया है और ये एक फ्लैट डिस्प्ले है। दोनों पर आपको गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन मिल जाती है और दोनों में एमोलेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, इसलिए इन डिस्प्ले पर फिंगरप्रिंट सेंसर भी दोनों के आपको ऊपर मिल जाता है। तो यहाँ पर दोनों में प्लस पॉइंट है कि डिस्प्ले पर ही फिंगरप्रिंट सेंसर है। लुक्स की बात करेंगे तो यहाँ पर एक बार फिर से वन प्लस सेवन प्रो आपको शायद थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगे। ग्लास बैक पैनल है, मेटल फ्रेम दिया गया है, जबकि ब्लैक शार्क 2 पूरा एक यूनिबॉडी डिज़ाइन से बना हुआ है, मेटल का स्मार्टफोन है पीछे, हालांकि यहाँ पर आपको ये ग्लास का थोड़ा बहुत टेक्सचर दिख जाता है, लेकिन लुक वाइज मुझे पर्सनली वन प्लस सेवन प्रो ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि ब्लैक शार्क जो है वो गेमिंग स्मार्टफोन है तो वो गेमिंग के हिसाब से ही बनाया गया है, थोड़ी रगेड लुक दी गई है और रगेड लुक मुझे पर्सनली कुछ खास पसंद नहीं है, पर लुक एक सब्जेक्टिव इशू है, हो सकता है कि आपको ब्लैक शार्क 2 ज़्यादा पसंद आए। नीचे की तरफ दोनों में आपको टाइप सी पोर्ट मिल जाता है और 3.5 में ऑडियो जैक दोनों में ही नहीं दिया गया। अब इंटरनल्स की अगर हम बात करें तो दोनों में मिलता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855 चिपसेट, दोनों में आपको 6GB रैम मॉडल मिल जाते हैं, दोनों में 12GB रैम मॉडल मिल जाते हैं, लेकिन वन प्लस सेवन प्रो में आपको 8GB रैम मॉडल भी मिलता है। दोनों में 128 और 256GB स्टोरेज के वेरिएंट मिलते हैं, इसके साथ साथ दोनों में आपको 4000mAh की बैटरी भी मिल जाती है। कैमरास की बात करें तो वन प्लस सेवन प्रो में आपको मिलता है 48+16+8 मेगापिक्सल का ट्रिपल रेयर कैमरा, जबकि ब्लैक शार्क 2 में दिया है 48+12 मेगापिक्सल का डुअल रेयर कैमरा। वहीं फ्रंट में ब्लैक शार्क में आपको मिलेगा 20 मेगापिक्सल का सेंसर, तो वन प्लस सेवन प्रो में 16 मेगापिक्सल का फ्रंट शूटर दिया गया है। दोनों ही फ़ोन में एंड्रॉयड पाई मिलता है और दोनों के जो यूआई हैं एकदम अलग हैं। ब्लैक शार्क 2 में आपको नियर स्टॉक का एंड्रॉयड मिलता है, तो वन प्लस सेवन प्रो में आपको ऑक्सीजन ओएस की लेयरिंग मिल जाती है। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि भले ही वन प्लस सेवन प्रो कीमत थोड़ी ज़्यादा है, पर लुक्स, डिस्प्ले और कैमराज के मामले में वन प्लस सेवन प्रो ब्लैक शार्क 2 पे थोड़ा सा भारी पड़ता है। ख़ास तौर पर जब आप ऐसा करेंगे तो लोग आपसे ज़रूर पूछेंगे कि आपने कौन सा फ़ोन पकड़ा है, जबकि ब्लैक शार्क 2 में ऐसा आप कुछ भी नहीं कर सकते। पर एनीवे, कौन सा फ़ोन आपको बेटर लगा, क्या आप वन प्लस सेवन प्रो या वन प्लस सेवन कंसिडर करेंगे या फिर आप ब्लैक शार्क 2 को लेना चाहेंगे, प्लीज़ मेरे कॉमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताएं। और हमेशा की तरह आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अंटिल देन, दिस इज़ केशव खेरा साइनिंग ऑफ़।